क्यों ही करे। अच्छा तो क्या मुझे बताएं इनको किस बात पे ज़रा गुस्सा आता है? हमारी तो बात नहीं है, पता क्योंकि बात कब बुरी लग जाए गुस्सा आ जाए कोई वो नहीं है, चिड़ थोड़ी हमारी भी कि ये चिड़। आपको किस बात पे नहीं? ऐसा नहीं है कि किसी बात पे गुस्सा है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, दानिश आर्गुमेंट करता है अगर कोई बात है ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं, यानी अगर वो बाद में उस चीज को अंदर रियलाइज कर रहा है मगर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे मत बोलो यार मैं रिश्ते नहीं आएंगे, जज्बात में गया ऐसे बाल कर लिए ज्यादा होते कम हो गए तो जज्बात में गया तो स्ट्रेटन लेकर आ गया, बाल स्ट्रेट करा गया गया और बिल्कुल सलमान खान राधे राधे वाले बाल तेरे नाम वाले। अब जब घर आया तो मैं और फराज का हसन के फराज और इसका हमने इतना रिकॉर्ड लगाया करे नहीं सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं दानिश, दानिश क्या करा राधे लग रहे हो राधे। यार ये भी एक किस्सा है फराज यासर। अच्छा खैर ये मानने को तैयार नहीं कि बाल बुरे हैं और हम हंस भी रहे हैं इसका रिकॉर्ड भी लगा रहे हैं, अनगिनत जगहों पे ऐसा होता है कि ये लोग गलत। सेकंड डे मुझे इसका वो बंदा हेडड्रेसर मिल गया ना, यार दानिश मैंने कल बड़ा सलील किया मैं मैं क्या मैं वो तो मगर मान नहीं रहा था कि बड़े अच्छे, अरे मुझे इतना सलील किया, मेरी शॉप में मालिक था मैं, सारे नौकर खड़े हुए थे कहते तूने मेरे बालों का बिड़ा गर्क कर दिया है तो दानिश मानता नहीं है। क्या सूजी थी यार? सूजी असल में क्या हुआ कि मेरे बाल कर्ली थे और मुझे बचपन से शौक था स्ट्रेट कराने का, जैसे अभी भी दो तीन शौक हैं जो पूरे बजट की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे। अब क्या हुआ कि ना मैंने बोला यार इनसे जब भी पूछता हूँ ये मना कर देते, नहीं नहीं सही लग रहे हैं सही लग रहे हैं, अरे पागल हो बाल लग गए, आप कुछ भी पूछो मना ही कर देते ना। मैंने यार आप पूछना ही नहीं करा दो, मैं चला गया कराने। अब स्ट्रेट कराने गया हूं तो जो ओनर था वो किसी एक हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के दोस्त थे, तो उसने बोला यार वो है अभी फील्ड में, मैंने हाँ हाँ है मैं आपको बात कराता हूँ, टेटे मैं बात कराई, वो दोनों ना पक्के दोस्त निकले। उन्होंने उसको जो लड़का जो करता था स्ट्रेट उसको बोला तू साइड में मैं करूंगा ये हमारा कस्टमर है, उन्होंने पूरी ट्यूब ना फिट करके हाथ में लगाया पूरे सर का मसाज कर रहे। मैंने बोला कुछ गलत लग रहा है मुझे, इतना तो नहीं होता होगा ना, ये थोड़ी सी ट्यूब लगती होगी, फिर कंघियाँ कर रहे हैं तेज तेज और फिर थोड़ी देर 20 मिनट छोड़ने के बाद मेरा मुंह उन्होंने सिंक में दिया और जब बाहर निकाला तो सारे बाल सिंक में। मैं यूं देख रहा हूँ मेरे आगे के चार बाल जो है ना वो सीधे यूं मर गए, बाल मर गए, बाल बालों की फौत हो गए, बाल बालों में से जान शाइन चीजें सब खत्म हो गए। अंकल ये क्या हुआ मेरे बालों को? कह रहे आप शावर लेंगे तो ठीक हो जाए, शावर ले लेंगे तो बाल यूं गिर रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है यार, फिर उसके बाद में गया अंकल को मैंने फिर तो हमने जब रिकॉर्ड लगाया आपको ना क्या करा तो रिकॉर्ड लगाया आखिर तक नहीं माना दानिश की नहीं, बात मैं पहले अंकल का को डांट के आ चुका था फिर आप लोगों ने रिकॉर्ड लगाया, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, आप नहीं अच्छे लग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यही चाह रहा था, हां मैं यही चाह रहा था, मैं अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मजे की बात नहीं मार, मैं अब मजे की बात अभी भी नहीं मार रहा, नहीं मारेगा। मजे की बात ये थी कि मेरे सिर्फ जो बॉर्डर है ना वो बाल रह गए थे, बीच के खत्म हो गए थे और मुझे लगा अब मैं गंजा हो जाऊंगा बस सही है। और आपको नहीं पता वो जिनके बाल गिर रहे होते हैं वो सारे टोट के आजमाते हैं, हाँ। वो लगा लो ये हाँ, मैंने कुछ भी लगाया छोड़े यार ये ऐसे तो फिर ऐसे ही सही तो बस वो आ गए अल्लाह का शुक्र ऊपर से गिर गए थे। ऊपर से याद आया निदा ले आई वो प्यास का पानी ना, प्यास से बाल बड़े अच्छे होते हैं, मैं तेल लाओ मालिश कर देती, तेल लगा देती हूँ, मैं वहां लगा मेरे बाल भी गिर रहे थे, निदा ने लगाया मुझे लगा मैं किसी अंडर आर्म्स के नीचे सोया हूँ, इतनी बदबू मैं पूरी रात ही सो सका। मैं फिर सुबह उठते मैंने शैम्पू लगाया और जा ही नहीं रहे बाल, बदबू ही नहीं जा रही, वो टोटका ऐसे मेरे गले पड़ा आगे, मैं यार पूरे घर में बदबू गंदी बदबू। लेकिन ये क्यों करते हैं टोटके बाल पे क्या? मैं तो आज तक जिंदगी में नहीं किया, होता है मैं तो शैम्पू भी जो मिल गया लगा दिया, ठीक है यार नहीं होते कुछ वैसे करामत होते लेकिन होते हैं। प्यास का पानी अगर ये बदबू खत्म करनी है तो उसका फॉर्मूला ये है कि कॉफी ऐड कर दें उसमें, अच्छा कॉफी जो है ना उसमें ऐड कर देंगे ना तो स्मेल नहीं आएगी। अरे इनसे पूछ के क्यों लगाया आपने? नहीं मैं तो लगा दिया निदा शो में, वो डेंटिस्ट के साथ 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 ये भी करते हैं, वो नहीं चलता तो यहाँ चला लेते। आप फराज पढ़ा था थर्ड ईयर फोर्थ यार और भी सवाल है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में था फराज, मैं हैदराबाद गया मिलने के लिए, अब रात को सो रहे हैं रात का अंधेरा, मेरे दांतों में तकलीफ हो रही थी, मैं फराज मेरे राइट साइड पे दांतों में तकलीफ हो रही है, मैं कहा मैं राइट साइड पे, मैं फराज की उंगली उठाई उंगली पकड़ के ना मुंह में डाल दी, ये डाल दे यार डांट में हो रही हो, फराज का लाइट खोल के ये क्या तरीका होता है, मैं मेरी उंगली उठाई है मुंह में डाल दी है, तो मैं आपका काम यही आप डॉक्टर हो डेंटिस्ट हो फाइनल ईयर में हो और हम ग्लव्स पहनते ये थोड़ी क्या मुंह उंगली के डाल दे और सीधा उंगली डाल दूँ मुंह के अंदर। और ये बहुत ज्यादा होता है हमारे साथ, होता है मेरा कजन है जैसे यासर ने बताया वैसे ही, मैं खाना खा रहा हूँ ये फराज उंगली देना ये चुभ रहा है, फिर मैं मतलब भाई कोई मैनर्स होते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ कुछ बोला यार मैं बता रहा चुभ रहा
फिर मैं आके हाथ धो ही रह गए लोग रोडों पे रुक के डॉक्टर की तरह देखिए। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप दांतों के ही डॉक्टर हो। ये बात किसी और चीज के डॉक्टर उंगली का क्या होता है। अब नेक्स्ट सवाल में जा रही हूँ, आप तीनों में से कौन है जो साफ झूठ बोलकर निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता, जो पक्का इस मामले में? यार झूठ हम बोलते नहीं, झूठ नहीं बोलते, बोला ही नहीं जाता, झूठ नहीं बोलता। पकड़े जाते हैं अब्बू के सामने भी, जब जब मैं सिगरेट पी की वायदात हुई थी तो मैं भाई यू हक्का पक्का ही हो गया। अब कहाँ गए थे? मैंने वो बिल पा क्या करते सिगरेट पी रहा था। अच्छा बड़ा तो वो निकलते ही नहीं, घबरा जाते हम लोग। आपने और अब्बू से हमारी दोस्ती भी थी। अब्बू से दोस्ती। मैं एक मरतबा लड़की के साथ कॉलेज स्कूल डे जमाने में ना, अभी निदा सुनेगी ना, शुक्र निदा शो पे होगी, तो मैं लड़की के साथ कॉलेज यूनिफॉर्म में और मैं लड़की के साथ गाड़ी में, अब्बू गए हुए थे ठीक, हमारा घर पीडीवी से बहुत करीब था, तो मैं गाड़ी लेके चला गया, लड़की को पिक किया और हम गलियों में घूम रहे हैं। उस जमाने ये था गलियों में घूमा, बस मैंने गाड़ी साइड से दरख्त के नीचे लगा के अब मैं गपशप लगा रहे हैं बैठे हुए, इतने सोता नहीं, अचानक से पुलिस मोबाइल आई है ना, मेरे हाथ में घबरा, मैं गाड़ी सारी देसी चल रहा था, मैंने लगा आ गया पुलिस वाले ऐसा पकड़ा, आज तो पकड़ छापा पड़ गया, यूं आज गाड़ी रोक दी ना उसने। अब मैं घबरा रहा हूँ, उतरा उस ASI था और सिपाही दो सिपाही थे उसके साथ। हाँ क्या कर रहा है, कौन साथ तेरे? अब मैं उस वक्त शोबिज़ में नहीं आया था, मैं गया, मैं मेरी आवाज ही ना निकले। अब लड़की ज्यादा हुआ, क्या मसला है? स्कूल का बच्चा ही अच्छा, मोबाइल थे जमाने आ चुके थे मोबाइल ना। अब वो कह रहे थाने चलो, दोनों मैं थाने तो नहीं जाऊंगा। अब क्या करूं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉल किया अबू को डायल कर दिया। मैं अबू मैं लड़की के साथ था, डेट पे था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। फिर अबू ने पुलिस आया, जिसके डर से डराना था उसको, मैंने उससे ही बात करा दी पूरी सारी। कह रहा है सर ये मैं फरीदाबाद, सर मैं जानता हूँ आपको, सर देखना ये तो इस्लामी मुल्क है, खुलम खुला डेट चल रही है, मैं अभी नमाज पढ़। लेकिन यार यहाँ पे मैं पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा कि हमारी पुलिस हमेशा देखो, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो पकड़ लेगी, आप डबल सवारी पकड़ लेगी, डेट पे पकड़ लेगी, लेकिन जो बड़े बड़े गुंडे उनको ठीक है, ओके, उनके सामने मगिंग हो रही है, कौन छिन रहा है। भाई मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारी पुलिस इतनी तेज हो जाए, जैसे गाड़ी लिफ्ट करने में, जैसे आप नो पार्किंग पे खड़ी करें, एक मिनट में उठा के लेके चले जाए, बस डाकुओं को पकड़ने में अगर ऐसी हो जाए ना पुलिस, गाड़ी उठाने वाली। फराज की कॉल आई मरतबा मेरे पास, फराज की गाड़ी लिफ्टर ले गया ना, 500 रुपए फाइन होता था उन्होंने। अब फराज मेरे साथ था, मैं क्या करूँ, डीआईजी को, डीआईजी को पेशेंट था फराज का, डीआईजी को फोन करो मैं गाड़ी छोड़वाऊंगा। मैं पागल हो गया यार, गाड़ी छुड़वाने के लिए डीआईजी को फोन करो 500 के लिए? बोला दो दोस्त है कुछ प्यार, आप ख्याल करो यार 500 दे के जान छोड़ डीआईजी को। अरे मुझे तो एक सिपाही ने रोक लिया गाड़ी में, तो मैंने मेरी और नवाज शरीफ साहब के साथ एक तस्वीर दी प्राइम मिनिस्टर, मैंने बोला ये देख रहे हो तुम, कह रहा है यार नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के छोड़ यार प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर। हाँ भाई ये मेरी मोटरसाइकिल नदीम जाफरी ने तो गवर्नर से बात करा दी थी। हाँ नहीं फराज लिफ्टर के लिए डीआईजी को मेरा फोन काटा, मैं पागल हो गया यार 500 देके जान छोड़ा डीआईजी को, मेरी गाड़ी उठा ली लिफ्टर ने, डीआईजी बोले मैं अभी आ रहा हूँ अपने स्क्वाड के साथ। हाँ सवाल, आप में से वो कौन है जिसका मशवरा सब सुनते हैं और अमल भी करते हैं? फराज, डॉक्टर फराज, फराज का मशवरा सब सुनते हैं और अमल भी करते हैं। अंजल ना भी अंजल अमल करती है, कम करती है, लेकिन लेकिन मशवरा फराज का काम है मशवरा देना, अब सामने वाला अमल का एडवाइजर। अच्छा आपके मशवरे में सबसे पहले कौन अमल करता है? अगर आप नहीं नहीं सब सबको अलग अलग ही देते हैं, ये थोड़ी एक ही मशवरा, नहीं आई मीन वही ना कि कौन मशवरे तो सबको देते हैं, लेकिन कोई हाँ कुछ टाइम गुजरने के बाद ज्यादा करता, मैं ज्यादा अमल करता हूँ फौरन। सही। खानदान के बच्चे आप तीनों में से सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? डरते हैं तो किसी नहीं, फ्रेंड्स हैं हम सब, सब दोस्त प्यार करते हैं, हमारी पूरी कजन बैठ जाए ना अगर सब, तो आपका घर जाने का दिल नहीं चाहेगा, हम बच्चे और मजाक वाले सब जो ना नहीं इतना तो भैया हमें अंदाजा है कि अभी तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीन माने ना मुझे टाइम का पता चल रहा है, और मैं सोचू कि काश थोड़ा सा ज्यादा लंबा शो होता है, टेक मेरी भी करेदारी में ऐसा नहीं है, बट वही घर वाला माहौल, मगर आपको घर जाके पता लगेगा ना, आपने कहा थोड़ा स्लो है, कल पता लगेगा, कल के शो में जब आएगा, कल कहीं मैं नहीं आ रही शो पे, वेट मेरा अच्छा है, वेट मुझे जुगत मुझे फौरन समझ में आ जाती है, बाकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। नहीं हमारे कजन्स चाहे लड़कियां हो, लड़कियां जितने कजन्स हैं वो हमारे, अच्छा हमारे एक ताया के बच्चे हैं, फिर फूफियों के बच्चे हैं, और हम लोग बिल्कुल ऐसा बॉन्ड है। अच्छा ये भी मेरे ख्याल से जो चार बड़े थे हमारे, यानी हमारे अब्बू ताया और फूफियां दोनों, उनके सारे बच्चों की जो है वो हमारे, उनकी आपस की बॉन्डिंग अच्छी थी, और फिर उनकी वजह से हम लोग आज तक इतने, यानी जब किसी की शादी होती है तो हम लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, मस्ती मजाक होती है, और कभी ये फील नहीं होता कि जैसे मतलब हम किसी कजन के पास जा रहे हैं, लगता है भाई बहन ही है सभी। और अगर वो आ जाए ना कभी ऐसा शुरू रखिएगा, हम पूरे खानदान को बुलाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम सब बहन भाई हैं।
न्यूजीलैंड में तो व्हाट्सएप की वजह से हम सब हो गए या किसी की शादी होती तो आ जाते हैं न्यूजीलैंड दुबई अमेरिका जिसकी शादी होती है वो पछता रहा होता है यार किस खानदान में आ गए आप तीनों भाइयों का खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप है बाकी बच्चे और फैमिली भी है तो कितने तीनों का फैमिली के आप लोग तीन है ग्रुप जैसे चार ग्रुप है वैसे तो चार है सारे कजन है एक वो ग्रुप है फिर एक सिबलिंग भाई कजन सब है तो एक ग्रुप हम तीनों और अंजलना है और एक ग्रुप हम तीनों चार एक ग्रुप है जिसमें ये दोनों इसके बाद और एक ग्रुप में अकेला ही सारे शिक्वे कर रहा होता हूँ अपने आप को चीजें भेज रहा होता ताकि भूल ना जाए अच्छा मुझे वैसे ये बताएं कि मैं भी देख रही हूँ कि आपकी शक्ल सबसे ज्यादा फर्ज की शक्ल सबसे अपने वालिद से मिलती है तो क्या आदाद भी वालिद साहब की तस्वीर आपने ऐसी लगाई हुई है नहीं मेरी ज्यादा मिलती है मुझसे वो कुछ पिक्चर्स में देखी लेकिन मुझे ज्यादा अभी शबाहत मैं आपको बताऊं एक्चुअली जो फीचर्स है ना वो यासर के मिलते मेरे ज्यादा मिलते हैं अब्बू का स्टाइल जो है ना मेरा स्टाइल जो है वेट वगैरह बैठने का अंदाज वगैरह मेरा अब्बू पे है और अब्बू की जो इंटेलिजेंस है ना वो मुझ पे गई है अकल सोच आगे बढ़ने की कुव्वत यस अब्बू भी घर में सबसे छोटे थे और मैं भी तो ठीक है सोच जो है वो दानिश पे जैसी और आप आपकी क्या चीज जो है वो अब्बू से यहाँ तो मैं देख रही हूँ मुझे खैर उन्होंने फराज भी निभा के अपने अब्बा जैसी रखी हाँ लेकिन अबू की जब जवानी की थी बिल्कुल तो उससे ज्यादा मिलती थी शक्ल नाक तोते जैसी मेरी भी थी अबू की भी थी अबू ने इंतकाल से पहले जो मुझे नसीहत की ना मुझे कह रहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ मगर जिंदगी में मूछे नहीं काटना ये हाँ बोला तुम बहुत बुरे लगते हो तो मैं बोला ठीक है अबू कभी नहीं काटता तो ये मुझे बताइए जो आप लोग की कॉमेडी टाइमिंग्स है आपके वालिद साहब को मिली है वालिद साहब से अम्मी भी थी अम्मी हंसती ज्यादा थी नहीं अम्मी एंजॉय करती थी कॉमेडी का अबू की कॉमिक टाइमिंग है बल्कि अबू ने स्टार्ट कॉमेडी से ही किया था और उसके बाद अबू एकदम विलन आने शुरू हुआ तो फिर सीरियस वटेरा और ये वो हाँ तो मेरा भी लग रहा है कि मैंने भी स्टार्ट कॉमेडी से किया अब देखें कब आते हैं हाँ वैसे मैं भी इंतजार है कि हम देखें अच्छा मुझे बताएं यासिर वैसे कितना मुश्किल होता है कि आप किसी मॉर्निंग शो होस्ट का अगर जब हस्बैंड होते हैं तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं आए दिन हमारा भी शो किसी ना किसी हिसाब में ही रहता ही है तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि फिल बदीद हम बोल रहे हैं ना अभी मेरे मुंह से भी पिछले दिनों मेरे मुंह से भी ऐसी कोई चीज़ निकल गई उसके बाद हाँ वो बड़ा वायरल फिर भी वो वाली फिर हो जाएगी वायरल तो वो कितनी वैसे अच्छा निदा की मम्मा मीम कितनी बनी है हाँ वो ऐसी बनती है बताएं आप शुरू में निदा सीरियस लेती थी उसको थोड़ा पूछे सवाल पता है सवाल पता है सर हम लोग सवाल नंबर 23 हाँ वो बता देखिए जो फॉर्मूला की जो बात थी तो उस वक्त निदा सीरियस हो गई थी नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही मैं वैसे बात कर रही हूं कि कुछ चीजें बड़ी मीम्स वाले बनती है तो क्या वो ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा होती है हां लेकिन आप उसमें कितना सपोर्ट करते हैं अब हम समझ गए हैं कि अब ट्रोल हो रहा हो तो इन्जॉय करो और खुद भी हंसो खुद भी हंसाओ और जो आपको सड़ा रहा है उल्टी सीधी मैसेज कर रहा है ना चिल रहो करने तो जो करना है पहले हम करते सीरियस हो जाते थे अब नहीं होते अब उनका यार ये इनका काम है ये आपको मिलेंगे मिलेंगे वो कहते नहीं यार लोग क्या कहेंगे ये कमेंट्स वाले ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं ये है लोग आप करने दो आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं कम ज्यादा नहीं खून खोलना शुरू रहता है तो इसलिए शुरू में अच्छा एक आदमी नॉर्मल बैठा हुआ ना उसकी कोई हम पता भी नहीं वो कहाँ रह रहा है किस खेत में बैठा हुआ है क्या कर रहा है उसे बस एक आपके लिए करके लिख दिया और फिर वो आप पढ़ के और मैं सही बताऊं 100 अच्छे कमेंट पे एक बुरा कमेंट भारी होता है